यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पेयजल बंटवारे की वीडियोग्राफी कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को अदालत में तलब किया गया। इस दौरान अदालत ने वॉशिंगटन डेली पोस्ट में शिमला पेयजल किल्लत पर प्रकाशित समाचार पर कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने मीडिया को भी नसीहत दी है कि इस मुद्दे पर समाचारों को सनसनीखेज बनाकर परोसने से परहेज किया जाए। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि मैन वाली पुलिस की निगरानी में पानी का बंटवारा किया जाएगा, पुलिस इसकी वीडियोग्राफी भी करेगी। अदालत ने नगर निगम को आदेश दिए कि यदि किसी भी टंकी को ओवरफ्लो होता हुआ पाया जाता है तो उसका पानी कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काट दिया जाएगा। अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री इस मामले की समीक्षा खुद कर रहे हैं और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक अनुपालना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने सचिव पर्यटक और आयुक्त नगर निगम शिमला को आगामी सुनवाई पर तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। लगातार शिमला में जल संकट बरकरार है, इसी को लेकर हाईकोर्ट में हर रोज सुनवाई हो रही है और इसी के चलते अब हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि वीडियोग्राफी होगी और पुलिस की निगरानी में पानी का बंटवारा किया जाएगा। 11 जून को अगली सुनवाई हाईकोर्ट की होगी। साथ ही आपको बता दें जल संकट लगातार बरकरार है, हाथों में खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन भी लोगों की ओर से पहले किया जा रहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। अब अगली सुनवाई 11 जून को होगी और पुलिस की निगरानी में जल की आपूर्ति लोगों को करवाई जाएगी, वीडियोग्राफी भी पूरी होगी और 11 जून को अब अगली सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कोर्ट को यह भी बताया गया कि सीएम जयराम ठाकुर खुद समीक्षा कर रहे हैं इस पूरे मामले की और आज दिल्ली भी जाने वाले हैं। सीएम जयराम ठाकुर इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।